नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका toppersexam.com आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए। आज आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यहाँ दोस्तों हाल ही में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी हैं, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे पिछले वीडियोज में भी करंट अफेयर्स संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने आपको बताए हैं। उन सभी वीडियोज को देखने के लिए इस वीडियो के साथ में हमने लिंक्स दिए हैं, आप उन सभी लिंक्स को फॉलो करें और उन सभी वीडियोस को देखें जिससे कि आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं जिससे हम आगे भी और बेहतर वीडियो और नई नई जानकारी आप तक लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन ने अभी हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को सियोल पीस प्राइज 2018 से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन ने सियोल पीस प्राइज 2018 के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित कई ई कॉमर्स कंपनियों को हाल ही में नकली उत्पाद बेचने पर किसने नोटिस भेजा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है DCGI। या दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित कई ई कॉमर्स कंपनियों को नकली उत्पाद बेचने पर नोटिस दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी सरकार के द्वारा जारी किए गए फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन के लिए भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी को चुना गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न देखिए, कैंडिला हेल्थ केयर और जोडस वेलनेस के बीच किस कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए 4,595 करोड़ रुपए में डील हुई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हेंज इंडिया। यहाँ दोस्तों कैंडिला हेल्थ केयर और जोडस वेलनेस के बीच हेंज इंडिया कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए में डील हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सैमसंग कंपनी को पीछे छोड़कर इनमें से कौन सी कंपनी नंबर वन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है शाओमी। मशहूर स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी सैमसंग कंपनी को पीछे छोड़कर नंबर वन स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक वर्ष 2020 के किस महीने से देश में भारत स्टेज BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अप्रैल माह। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक वर्ष 2020 के अप्रैल महीने से देश में भारत स्टेज BS4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, देश की प्रमुख प्रशासनिक संस्था IIPA ने लोक सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए HESCO को किस पुरस्कार के लिए चुना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लोक सेवा पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, देश की प्रमुख प्रशासनिक संस्था IIPA ने लोक सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए HESCO को लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया है। अगला प्रश्न देखिए, 25 अक्टूबर को कौन सी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है Xiaomi। मशहूर कंपनी Xiaomi 25 अक्टूबर को दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न देखिए, सचिन तेंदुलकर के 17 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे कम पारियों में 10,000 रन पूरे किए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर के 17 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे कम पारियों में 10,000 रन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जकार्ता में हो रहे एशियन पैरा गेम्स में नारायण ठाकुर ने कितने मीटर T35 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 100 मीटर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जकार्ता में हो रहे एशियन पैरा गेम्स में नारायण ठाकुर ने 100 मीटर T35 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित से किसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सतीश कुमार गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, सतीश कुमार गुप्ता जी को अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी के 27 विधायकों को चुनाव आयोग के द्वारा क्लीन चिट दी गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आम आदमी पार्टी। या दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा क्लीन चिट दी गई है, वे सभी अब चुनाव लड़ने के योग्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में
लॉन्च हुई नई सेंट्रो कार निम्न में से किस मोटर कंपनी की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हुंडई। या दोस्तों मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई की नई सेंट्रो कार जो भी है अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है हुंडई। ध्यान रखें दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यालय पर छापेमारी हुई, तो ये कंपनी भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। ये कंपनी बेंगलुरु में स्थित है, जो इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, जिसके कार्यालय पर अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा छापेमारी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। भारत में किस राज्य की आईआईटी संस्था को एशिया में 33वां स्थान मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी मुंबई। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मुंबई को अभी हाल ही में एशिया में 33वां स्थान दिया गया है। आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए पा सकते हैं फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विद आंसर और पिछले साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ दोस्तों, topsexam.com आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आपके लिए लाए हैं फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आंसर सहित और पिछले साल के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। ये सभी सुविधाएं आपको topsexam.com की तरफ से एकदम निःशुल्क उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाइए और topsexam.com साइट पर इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करें और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करें। दोस्तों अगर आप चाहें तो topsexam.com का मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप topsexam.com के होम पेज पर आते हैं, topsexam.com का होम पेज इस तरह से आपके सामने आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एग्जाम से संबंधित लिंक्स आपके सामने हैं। तो जैसे भी जो भी एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। यहाँ आप देख सकते हैं इन उस लिंक पर क्लिक करने के बाद और भी आपके सामने कई लिंक्स आए हैं जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी दी गई है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। आप जिस भी भाषा में चाहें अपनी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने जैसे इस लिंक पर क्लिक करा, तो जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस लिंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्री ऑनलाइन टेस्ट बैंक क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके लिंक्स हमारे सामने आ गए हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम सिलेबस का लिंक भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम चाहें तो अपने एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे अगर आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट के लिए चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्री ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक करें, तो ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप देख सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे संबंधित भाषा से संबंधित पेपर्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले सभी टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करें, यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करें और आई एम रेडी टू बिगिन इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ऑनलाइन जो टेस्ट है वो आपका शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनके ऑप्शंस देख सकते हैं और जो भी ऑप्शंस आपको सूटेबल लगता है, जो सही लगता है उस पर टिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप पूरे एग्ज़ाम्स को आसानी से देकर लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने आपकी अंक तालिका आ जाएगी। तो यहाँ आप अपना रिजल्ट भी आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस को लेकर कोई दिक्कत है तो आप व्यू आंसर पर क्लिक करें, तो जो भी आंसर्स हैं उनके करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनसे उनके संबंध में जो भी डाउट है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑनलाइन टेस्ट आप आसानी से देकर अपनी जो भी जानकारी है उसे अपडेट कर सकते हैं और फ्री ऑनलाइन टेस्ट का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित जो लिंक्स हैं वो भी आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे उनसे संबंधित जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करें, तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक आप आसानी से देख सकते हैं। व्यू क्वेश्चन बैंक लिंक पर क्लिक करें तो सभी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बैंक आप आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी में काम में ले सकते हैं। ये सभी कुछ topsexam.com पर बिना किसी शुल्क के आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एकदम निःशुल्क।
और इसी तरह से आप अगर एग्ज़ाम का सिलेबस देखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम सिलेबस लिंक पर क्लिक करके आप एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी, तो इसका लाभ उठाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आंसर सहित और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर topusexam.com पर आसानी से प्राप्त करें बिना किसी शुल्क के। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए जिससे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स आसानी से प्राप्त होते रहें, और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और हमें मनोबल प्राप्त हो जिससे कि और हम आगे भी और बेहतर वीडियो और बेहतर जानकारी आप तक लाते रहें। topusexam.com पर समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, हमारा प्रयास रहेगा आगे भी और बेहतर जानकारी और बेहतर वीडियो आप तक लाने का। धन्यवाद दोस्तों।